नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन पेपर सेकंड की ओर, अध्याय नंबर फोर की ओर देख रहे हैं। बीए फोर सेमेस्टर हिस्ट्री का ये हमारा लेक्चर है। और फ्रेंड्स, इससे पहले की सारे अगर आपने नहीं देखे वीडियो तो प्लेलिस्ट में ले आओ, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों आपको डाल रखे हैं, एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अलग अलग बना देंगे मगर अभी एक ही में है, एक ही में आप सब पढ़ लोगे तो बेहतर है, आपको पढ़ना ही तो है। तो हमने ज्यादा आपको इधर उधर न जाने के लिए एक ही पीडीएफ बना दी है, एक ही पीडीएफ एक ही प्लेलिस्ट में आप सारे के सारे देख सकते हो, ठीक है ना। चलो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, सीक्वेंस वाइज डाल रखे सारे के सारे। और फर्स्ट सेकंड पेपर की अलग भी बना देंगे आपके लिए वीडियो, सॉरी पीडीएफ प्लेलिस्ट बना देंगे अलग अलग दोनों की, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ठीक है ना, वो भी बना देंगे आपके लिए, चिंता ना करें। अभी एक ही साथ पढ़ लें प्लेस में आकर, और जस्ट ही आपकी कुछ दिनों के बाद में ये सारी अलग अलग हम कर देंगे दोनों पेपर के लिए। और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए वो हमारी साइट पर चला जाएगा, उसमें फोर सेमेस्टर बटन है एक, ठीक है ना। वहां पर जैसे जाओगे तो वहां पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगी आपको क्या, www.paperhacker.in में जाना है, वहां पर जैसे आप जाओगे तो एक बटन मिलेगा फोर सेमेस्टर का, फोर सेमेस्टर जैसे क्लिक करोगे अंदर पहुंच जाओगे। अंदर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, अंदर पहुंचने के बाद एक आपको देखना क्या है, देखना तो ये है कि उसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ऐप मिलेंगे और मिलेंगी पीडीएफ, ऐप फ्री मिलेंगे बटन और आपको पीडीएफ मिलेंगी पैसों में। तो आपको ध्यान रखना, जैसे आपको मनमर्जी हो वैसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं, आप कहोगे बरसाई की संधि के बारे में, तो 1919 की बात करेंगे, इसकी 1919 की बात करेंगे बरसाई की संधि। तो मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई सभी संधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संधि बरसाई की संधि थी, जो हमारी होती है 28 जून 1919 में। कब होती है, 28 जून 1919 में देखने को मिल जाती है। बात करेंगे जर्मनी के साथ की गई चार महीने के कथक परिश्रम के पश्चात तैयार हुई उक्त संधि का, जो संविदा मित्र, जो जो कह सकते हैं संविदा मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी प्रतिनिधिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत की थी, कि जर्मनी के सम्मुख प्रस्तुत की थी कि आप इसको स्वीकार करोगे या फिर नहीं करोगे, ठीक है ना। किसने, मित्र राष्ट्रों ने जो विजित हुए थे। बात करते हैं इस संधि, इस संधि का विचार करने हेतु जर्मनी को दो सप्ताह का समय दिया गया था कि आप इसको देखो और समझो और इसके बाद में निर्णय लो। तो आप कहोगे निश्चित ही यह संधि पूर्ण रूप से मित्र राष्ट्रों के हित में थी, जो जीते थे उन्हीं के तो हित में होगी, हारे हैं तो उनके हित में थोड़ी होगी, उन पर जुर्माने लगाए जाएंगे। बात करें एवं जर्मनी हित की बलिदान पर आधारित थी, जर्मनी को कुछ बलिदान देना पड़ रहा था। बात करते हैं अतः जर्मनी द्वारा इस संधि की शर्तों का विरोध हुआ, क्योंकि जर्मनी के आहित में थी तो जर्मनी का विरोध करना लाजमी था। तो जर्मनी क्या करती है, शर्तों का विरोध करती है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो होता है लॉयड जॉर्ज क्या करते हैं, जर्मनी को युद्ध की धमकी देते हैं कि हम सभी ध्रुवीय राष्ट्र हैं, सॉरी जो मित्र राष्ट्र हैं, वो आपको युद्ध करेंगे फिर अगर अपना नहीं मानोगे तब। तो बात करेंगे फलता, जर्मनी को बाध्य होकर बरसाई की संधि को स्वीकार करना पड़ा, चाहे उसके खिलाफ हो चाहे अनखिलाफ हो, मगर खिलाफ ही थी उसके, तो फिर भी उसे मजबूरन क्या करना पड़ा, उसको स्वीकार करना पड़ा। तो हम देखेंगे बरसाई की संधि की शर्तें क्या थी। तो पहली बात करेंगे, पहला जो अल्सास हुआ करता था, अल्सास लॉरेंस, अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो बिल्कुल याद होगा, जो अल्सास लॉरेंस हुआ करता था वो फ्रांस का हिस्सा हुआ करता था, फ्रांस का हिस्सा हुआ करता था, जर्मनी ने छीन लिया था पहले युद्ध में, जो 1870 की ईस्वी में एक जन युद्ध होता है। जो बात करेंगे अल्सास लॉरेंस को प्रसिद्ध समृद्ध क्षेत्र, जो 1870 ईस्वी में युद्ध होता है जिसके तहत जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीन लिया जाता है, फ्रांस का एक टुकड़ा होता है जिसको जर्मनी हत्या लेता है। बात करेंगे बरसाई की संधि के तहत पुनः जर्मनी को लेकर फ्रांस को ये वापस दे दिया जाता है, कहते हैं कि भाई जो फ्रांस का टुकड़ा है जर्मनी वापस करेगी, तो यहां पर वापस किया जाता है। वही बात करें बरसाई की संधि की सैनिक व्यवस्था, जो बरसाई की संधि की सैनिक व्यवस्था भी जर्मनी हेतु काफी अपमानजनक एवं सैन्य दृष्टि से इसे निर्बल बनाने की दृष्टि की गई। मतलब पहली बात तो सैनिक व्यवस्था जो थी 1,00,000 सीमित कर दी, कि 1,00,000 से ज्यादा जर्मनी सैनिक नहीं रखेगी, इस पर एक प्रकार से विरोध देखने को मिला, मगर फिर भी इसे मानना पड़ा। बात करते हैं बरसाई की संधि के तहत की गई व्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से जर्मनी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी गई, 10,00,000 का जुर्माना यहां पर लगाने को देखने को मिल जाता है, जो जर्मनी के ऊपर लगाया गया था, जो विश्व युद्ध में फर्स्ट विश्व युद्ध में क्या हुआ था, हानि हुई थी, वो भी किसके, जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी। तो इस प्रकार से देखने को मिलती है हमारी बरसाई की संधि, उसकी शर्तें देखी और हमने क्या देखा, बरसाई की संधि के बारे में जानकारी ली। तो ये हमारा हो जाता है बरसाई की संधि के बारे में, और भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा जो आप बना बनाकर और भी एक्स्ट्रा लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। मगर आपको मेन पॉइंट जो है वो तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, जैसे कि बरसाई की संधि की शर्तें, तो इनके बारे में आपको डिटेल में अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी पर डिटेल मत लिखना, शॉर्ट में लिखना, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है ना। अल्बर्स हो गया, अल्टर्स, सॉरी अल्बर्स था, अल्टर्स था,
जैसे कि बात करें, हाँ अल्सास लॉरेंस था, अल्सास लॉरेंस को लिख लेना है, ठीक है ना। और आपको सैनिक व्यवस्था तो पता ही होगी, युद्ध कौन सा 1870 वाला युद्ध था जिसमें जिसमें अल्सास लॉरेंस को छीन लिया गया था फ्रांस के, फ्रांस से जर्मनी ने, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है और एग्जाम के समय यही पढ़ना है और एग्जाम देने जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वीडियो को रखेंगे, वीडियो अच्छी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।